यदि आप राजभाषा अधिकारी बनना चाहते हैं और नाबार्ड में आवेदन करना चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से आप उसमें एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि नाबार्ड में जो है वो 60% एटलीस्ट आपके नंबर होने चाहिए, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि एक्जिम बैंक में मैनेजमेंट ट्रेनी राजभाषा के पद निकले हुए हैं, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सारी एलिजिबिलिटी या फिर जो भी चीजें हैं इससे जुड़ी हुई, वो सभी लगभग सभी अनुवादक की परीक्षाएं या राजभाषा अधिकारी में जिस तरीके से पूछी जाती हैं, वैसे ही इसमें भी बताई गई है, तो आप लोग इसको आवेदन कर सकते हैं। और साथ साथ में यदि आप एसओ की तैयारी कर रहे हैं, सेबी, आरबीआई, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो साथ साथ में आपकी उसकी भी तैयारी होती रहेगी। तो इस पद से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले बात करें महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में, तो सबसे महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट डेट जो है वो आपके लिए है 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर से इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट जो है वो है 10 नवम्बर। तो आप 10 नवंबर का वेट न करके इसके पहले पहले ही आप इसके फॉर्म भर दें। और इसकी जो परीक्षा तिथि बताई गई है वो है दिसंबर में। साथ में इंटरव्यू डेट जो बताई जा रही है, तो जनवरी 2023 नहीं 2024 होना चाहिए, लेकिन इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी इतनी मिस्टेक देखने को मिल रही है कि 2023 लिखा हुआ है, जबकि ये जनवरी 2024 होनी चाहिए। और अगर हम इंटरव्यू की बात करें, तो इंटरव्यू मुंबई और दिल्ली में से दोनों जगह हो सकते हैं, या फिर एक जगह इनमें से हो सकता है कि मुंबई में करवाया जाए या फिर दिल्ली में करवाया जाए, या फिर दोनों सेंटर इसके बनाए जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इंटरव्यू के लिए आपको इन दोनों जगहों में से किसी एक में जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसके शैक्षिक योग्यता की। इसके पहले वीडियो में भी बताया था इसकी शैक्षिक योग्यता के बारे में, लेकिन ये यहाँ पर आपको हिंदी में लिखा हुआ दिख रहा है, जिससे आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपकी योग्यता इस परीक्षा के लिए होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर आप राजभाषा अधिकारी या अनुवादक बनना चाहते हैं, तो आपको पीजी होना जरूरी है, ये सबको पता है आप लोगों को। यदि आप राजभाषा से जुड़ी हुई किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो, और किस विषय में होना चाहिए, तो मास्टर डिग्री आपकी हिंदी या फिर अंग्रेजी में होना चाहिए, तो आप लोग एलिजिबल होंगे। उसके लिए आपको ग्रेजुएशन में एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी या अंग्रेजी में से रहा हो, या फिर एक इनमें से किसी एक से आपने परीक्षा उत्तीर्ण की हो, यानी मीडियम आपका हिंदी या इंग्लिश रहा हो। यदि आपने हिंदी और अंग्रेजी से पीजी नहीं किया हुआ है, तो आप लोग किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी अंग्रेजी के अलावा भी किसी विषय में आपने किया है, तो भी आप लोग एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए, लेकिन उसका जो माध्यम रहा हो उस विषय का, वो हिंदी या फिर अंग्रेजी रहा हो। और डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी या हिंदी हो, तो भी आप लोग एलिजिबल हैं। और यदि ये दोनों ही आपकी शैक्षिक योग्यता से मैच नहीं कर रहे हैं, तो तीसरी कंडीशन भी यहाँ पर है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में मास्टर डिग्री आपने ली हो, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय हो, या दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम हो और दूसरा जो सब्जेक्ट हो वो डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय रहा हो, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम शैक्षिक योग्यता की बात करें, तो कुछ भी इसमें अलग नहीं है, जैसा सभी राजभाषा अधिकारी या अनुवादक की परीक्षाओं में होती है, वैसे ही यहाँ पर है। तो आप लोग सभी लोग जो इसकी तैयारी करते हैं, वो सभी लोग एलिजिबल हैं लगभग लगभग इस परीक्षा में भरने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप नाबार्ड की सोच रहे हैं और नाबार्ड में आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आपके 60% नहीं है, तो आप लोग इस परीक्षा के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं दी गई है कि आपके 55% होना चाहिए या 60% होना चाहिए। आप कितने भी परसेंटेज से आपने पास किया हो पीजी, तो आप लोग एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं कि इसकी वांछनीय योग्यता भी मांगी गई है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, इनमें से अगर आप किसी भी योग्यता को फुलफिल कर रहे हैं, और उनमें से बताया गया है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित हिंदी के अलावा, यानी हिंदी तो आपको आनी ही चाहिए, उसके अलावा किसी भी भारतीय भाषा का यदि आपको ज्ञान है, तो आप योग्य माने जाएंगे। इसके साथ साथ यदि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से हिंदी से अंग्रेजी, या फिर इसके विपरीत यानी अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है आपके पास, तो भी आप लोग इसको आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा नहीं है अनुवाद में, तो भारत सरकार की राजभाषा नीति को लागू करने में योग्यता के बाद, यानी आपने पीजी कर लिया हो, उसके बाद
कम से कम एक वर्ष का अनुभव रखने वाले या किसी प्रतिष्ठित संगठन में अनुवाद का प्रासंगिक अनुभव रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। यानी आपके पीजीडीटी का डिप्लोमा नहीं है, ट्रांसलेशन में कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नहीं है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, यानी आप योग्य माने जाएंगे। अर्थात आपके पास यदि अनुवादक का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नहीं है, परंतु आपका एक्सपीरियंस है 1 साल का अनुवाद में, तो भी आप लोग इसके वांछनीय योग्यता को फुलफिल करेंगे। और आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर 25 वर्ष तक के लोग आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन भी मिला है आयु में, तो वो लोग भी यहाँ पर देख सकते हैं कि ST SC वाले 30 वर्ष तक के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, OBC के कैंडिडेट्स यहाँ पर 28 वर्ष की उम्र तक आवेदन कर सकते हैं। बाकी PWBD के लिए 40 वर्ष तक के विद्यार्थियों को भी लिया जाएगा, 38 वर्ष तक, 35 वर्ष तक, ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है। तो आयु में छूट भी दी जा रही है, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आयु की सीमा जो रखी गई है वो 25 वर्ष रखी गई है। अब इसके परीक्षा पैटर्न की बात करें तो इसकी परीक्षा पैटर्न में कुल मिलाकर 105 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 200 अंकों का ये प्रश्न पत्र होता है, जिसमें से रीजनिंग भी पूछी जाएगी, इंग्लिश लैंग्वेज भी आएगा, क्वांट्स भी आ रहा है और फाइनेंशियल अवेयरनेस विद रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव पेपर इंग्लिश का देखा जाए तो उसमें एक एसे और एक लेटर राइटिंग होगा, और प्रोफेशनल नॉलेज यानी राजभाषा से आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर में, और ये 3 क्वेश्चन 15, 15 और 20 नंबर के हिसाब से डिवाइड हैं। अगर देखा जाए तो इन 15, 15 नंबर में आपके पैसेज होंगे जो कि एक हिंदी और एक इंग्लिश में होगा, जिनको ट्रांसलेट करना होगा हिंदी और इंग्लिश में। और ये 20 नंबर में हो सकता है कि जैसे RBI की परीक्षा में दो छोटे छोटे पैसेज दे देते हैं राजभाषा से रिलेटेड, एक हिंदी और एक इंग्लिश का, तो इसमें भी देखने को आपको मिले। इस बार का भी जो नोटिफिकेशन निकला है उसमें अभी परीक्षा पैटर्न नहीं बताया गया है, लास्ट ईयर के जो फॉर्म निकले हुए थे उसमें ऐसा परीक्षा पैटर्न देखने को मिला है, और इसका डिटेल नोटिफिकेशन 21 तारीख को भी लगभग आएगा, जब इसके फॉर्म भरने शुरू होंगे तो उसमें आपका परीक्षा पैटर्न जो होगा तो उसके अनुसार फिर से हम आप लोगों को बताएंगे कि इसका परीक्षा पैटर्न कैसा रहेगा। तो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से तो यही पैटर्न रहेगा राजभाषा के लिए भी, आगे जब भी इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें हम लोग आपको बताएंगे कि क्या रहेगा। और आई एग्जाम भी के द्वारा उन विद्यार्थियों को मॉक टेस्ट फ्री मिलेंगे इस पोस्ट से जुड़े हुए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग राजभाषा के लिए मॉक टेस्ट आपको फ्री मिलेंगे। जो भी एसओ का कोर्स लेते हैं, RBI का लेते हैं या फिर सेबी का लेते हैं, सेबी का इस बार नोटिफिकेशन नहीं निकला है लेकिन अगले साल के लिए भी आप तैयार कर सकते हैं अपने आप को, तो उनके लिए ये मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री रहेगा। तो आप यदि एसओ की तैयारी कर रहे हैं, RBI की करना चाहते हैं या सेबी की करना चाहते हैं, तो अभी से इन कोर्स में जुड़ने पर आपको इस पोस्ट के यानी जो एग्जिम बैंक में पोस्ट निकली हुई है उसके मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री दी जाएगी। तो साथ साथ इन सभी परीक्षाओं की तैयारी आपकी चलती रहेगी और किसी न किसी परीक्षा में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इनमें से किसी कोर्स में आपको डाउट है या कुछ क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर है 9205524028, या फिर हमें मेल लिख सकते हैं।